हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे डिवाइस रहता है, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे दोस्तों, जो कि मेरे यहाँ पे डिवाइस है रेडमी का। तो रेडमी के फ़ोन के अंदर आप यहाँ पे दोस्तों किस तरीके से जो फिंगरप्रिंट लॉक है उसको यहाँ पे दोस्तों डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसको फिंगरप्रिंट लॉक को यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा फिंगरप्रिंट लॉक को कैसे डिलीट करना है। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रेडमी का फ़ोन है और रेडमी के फ़ोन की तरह इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है होम स्क्रीन का। तो यहाँ से आपको सेटिंग्स को क्लिक करके सेटिंग को अंदर आना है। तो जैसे सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो करेगा। और जो कि दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट को डिलीट करना है तो आपको सिंपली यहाँ से क्या करना है, यहाँ से करना थोड़ा स्क्रॉल डाउन, और जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जैसे दोस्तों आप देख पाएंगे मेरा इस तरह का इंटरफेस रहता है। और यहाँ पे आने में दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर आने के बाद फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है क्लिक करेंगे और आपका स्क्रीन लॉक का जो यहाँ पे अनलॉक करने का ऑप्शन है आ चुका है। तो स्क्रीन लॉक का पासवर्ड जो भी रहता है, चाहे आपका पैटर्न लॉक सेट है, पिन लॉक सेट है, तो आपको पासवर्ड एंटर कर देना है स्क्रीन लॉक का। और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे आ जाएंगे फिंगरप्रिंट अनलॉक करने का ऑप्शन जैसे कि आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन है, इसकी यूज़ फिंगरप्रिंट फॉर स्क्रीन लॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक को अनलॉक करने के लिए, प्राइवेसी के लिए, प्राइवेसी पासवर्ड या फिर ऐप लॉक के लिए भी इस फिंगरप्रिंट को यूज़ कर सकते हैं अनलॉक करने के लिए। तो यहाँ से इसको डिलीट करने के लिए फिंगरप्रिंट टू पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट टू है, रिमूव पे क्लिक करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, मेरा फिंगरप्रिंट टू रिमूव हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने फिंगरप्रिंट को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं अपने डिवाइस के अंदर। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। ना बोले दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।